राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो के अंदर। कैसे हो भाई? सारे आई होप सब अच्छे होंगे। भाई कल अपनी ट्रॉली पे 70% काम कंप्लीट कर दिया था हरिद्वार जाने के नाम का, 30% काम बाकी है। सारी तैयारी हो रही भाई, बस जो ऊपर वाले जाले आगे पीछे के उन पे एक का एंगल लगनी ऊपर, जिसमें उसमें बीचम बीच पूरी एक बल्ली टिक जाए एंगल, जो भी टेकेंगे वो तो डिसाइड करेंगे क्या टेकना, बल्ली टेक के एंगल वो उसके नाम की एक एंगल ले रही, वो एंगल टेक का भाई अपनी ट्रॉली बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर उस पर ऊपर को तार वो बाण ला रखा, वो बाण घेर देंगे उसके ऊपर, पन्नी पुन्नी तिरपाल तिरपाल घेर के बिल्कुल सेट कर देंगे। बाकी खड़ा भाई ट्रैक्टर, बैनर वैनर टांग रखा, कल सामान लाए थे थोड़ा सा बाजार में, तो ट्रॉली के नाम का ट्रॉली में सामान पड़ा, थोड़ा सा काम ट्रैक्टर में रह रहा भाई वो करवाना, यो पड़ा सारा सामान चलनी पड़ी है। बल्ली बल्ली ला रखी है, हाँ एंगल की जगह भाई बल्ली लगावेंगे, क्यों एंगल तो भारी हो जाती, बल्ली सही रहेगी, क्यों इस पे बस थोड़ी सी सपोर्ट उसके नाम की चाहिए, रस्सी के रहेंगे जो तिरपाल बन देंगे ट्रॉली पे उसके नाम की चाहिए, ज़्यादा हैवी सामान तो चलता नहीं भाई। भाई ये जो आगे वाली है ये आएंगे जाल है यू, इस पर ऊपर एक एंगल लगवाएंगे जिससे कि बल्ली उस पर टिक जाए उसकी नहीं, अनु भाई झोपड़ी बन जाएगी पूरी, जोकर झोपड़ी टाइप में हो है ना, इस हिसाब से हो जाएगी फिर तिरपाल, बारिश वारिश आएगी तो पानी नहीं आने का ट्रॉली में अंदर। और भाई एक बार ट्रैक्टर यही खड़ा था, इसके सेल्फ में यार थोड़ी सी कमी, कल धोया था यू, पिछली बार धोया था जब यही कमी आई थी, अरे का धोया है फिर यही कमी आ गई, एक बार इस तरीके से सेल्फ दिखवा देंगे साथ के साथ ही भाई। ये दो चार काम है बाकी, अपना सारा काम रेडी हो रहा चलने के नाम का, आज निकल जाएंगे भाई 11-12-1 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे हरिद्वार के नाम के। चल भाई लो भाई, भी हरिद्वार जाने से पहले ही प्रभु की लीला लील होगी हमारे पे, तो बारिश का कहर लड़ गए भाई, गद्दे गुद्दे सारे भीग गए भाई साहब, हाल होगा तगड़ी बारिश आ गई, गद्दे गुद्दे बिल्कुल लाल हो गए यार, सिस्टम खराब होगा गद्दू का, ट्रॉली का माहौल सेट हो रहा बिल्कुल, बस थोड़ी सी कमी रहेगी, गद्दे हल हो गए यार, पंपे नीचे ले लेना भगा के, ट्रॉली कर ली भाई फ्लाईओवर के नीचे खड़ी, बारिश सारी घड़ी का सुती, ट्रैक्टर भेज दिया, ट्रैक्टर के सेल्फ में काम होना थोड़ा सा, इसका सेल्फ जाऊंगी जिप लो करवा के, हम जब तक ट्रॉली तैयार करेंगे यहाँ खड़ी करके, इसके फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कर रखी, पानी भर गया सारी मेहनत खराब होगी, कल ट्रॉली धो धागा सफाई इसमें सारा सिस्टम खराब होगा यार, गारा गुरा होगी, दोबारा पानी मरवाना पड़ेगा, एक बार ट्रॉली में भीतर भी जा सारी ट्रॉली अल्ली होगी यार, बाद अंदर से भी जो गद्दे गुद्दे लाए थे गेर के वे भी अल्ली हो गए, कोई नहीं चलो वे भी चेंज होगा जाएंगे, इस पर पानी लगवा देंगे एक बार, बाकी तो एक सिस्टम होगा बस गलत, ओए एक सिस्टम गलत होगा, एक सिस्टम गलत होगा यू वाला नीचा, कोई सा चोट ना खा ले इसमें भाई जी। ट्रॉली पे हमने बीच में बल्ली गेर दी, तार बुन दिया, और भाई जी अपनी ट्रॉली कंप्लीट हो चुकी है 80%, कल 70 हो गई थी आज 80, बस 10% काम हुआ, नहीं भाई 80 नहीं 85 होगा, 85% 15% काम रहेगा बस। और भाई जी लो लुक चेक करो एक बार ट्रॉली का, 1 2 3 ये देखो भाई जी क्या खतरनाक, एक नंबर की हट बना दी बिल्कुल, ट्रॉली अपनी ट्रॉली तैयार बस चलने के नाम की, इसके ऊपर को काली पन्नी गिरेंगे या तो तिरपाल गिरी, इसमें तो पानी रुकने का नहीं, काली पन्नी गिरेंगे या तो एक्स्ट्रा डाल ली पेड़ पन्नी पे भी, जितना लोड नहीं आने का अपना, बहुत बढ़िया काम बेहतरीन एक नंबर का जेन्युइन काम चल रहा भाई, या रखी पन्नी वहाँ इस जब पन्नी गिरेंगे इसके ऊपर को होगा ट्रॉली का काम कंप्लीट भाई, बिल्कुल फाइनल होगी ट्रॉली अपना, इस जब ट्रैक्टर में जोड़ के ट्रॉली को मोहल्ले में लेकर चल रहे, ओ महाकाल निर्वाल ब्रदर भाई नीले चल जोड़, ओए चल जोड़ ट्रॉली जोड़ भाई, ट्रॉली को मोहल्ले में लेगा खड़ी ले जाएगा, खड़ी कर देंगे बस, नहा धोगा अपना रेडी होगा बैग वैग रख के अपना निकलेंगे हरिद्वार के नाम के थोड़ी देर में, बारिश कभी आसार से बन रहे बारिश आ सके, पर बिल्कुल फिट मामला कर दिया, ये देखो भाई आप पानी कहीं को अंदर नहीं जाने का बिल्कुल भी, बेहतरीन होगा मामला बिल्कुल फिट, इन पे चली चुली भी चली बढ़िया तरीके से, इबजा इन पर गद्दे घेर लेंगे, गद्दे ला रखे घर है नीचे, कोई ट्रॉली में कोई झाड़ू झूड़ू सी मार लेंगे, जो रेत तो सोरा ही साफ हो जाएगा बस भाई अपना काम फिट हो जाएगा, ये देखो भाई आगे तक खोल देंगे, आगे को हवा आएगी साइड में तभी उठा देंगे ये पन्नी, जी
चलेंगे ये भी तो ये बांध दी, मतलब ये फोल्ड हो जाएंगे ये अंदर को, फिर एक नंबर का काम हो जाएगा भाई। बिल्कुल कर दिया डाला बंद भाई, बिल्कुल पैक कर दी ट्रोली, पोला चल दिया ट्रैक्टर लेके, म्यूजिक ऑन करने लग रहा मोहल्ले में, तमंगे ले जाके हो गया भाई अपना साधन बिल्कुल रेडी चलने के नाम के। अभी घर जाकर बस नहा धो के लिख देंगे हरिद्वार के नाम के भाई, ऊपर भी भरड़ भरड़ उठी डाका उड़ गई बाईपास पे, फ्लाईओवर के नीचे खड़े निर्वाल सिर्फ कलश कवर्ड, एक बैनर बन जाएगा साइड में ट्रोली पे, नीचे बन जाओ तो जहाँ डल ले आएंगे डल्ले पे बन जाएगा नीचे भाई, बिल्कुल जैनवन काम होगा आज बेहतरीन बिल्कुल भाई। सपोर्ट करियो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी भाई तुम्हें। ये लो भाई जी चलने के लिए मामला है बिल्कुल रेडी, सभी भाई आ चुके हैं अपने, ये कट्टू में भाई अपने कलर है जिनमें जल ले आवेंगे, ये होगी ट्रोली तैयार, गद्दे वद्दे डाल लिए ऊपर बिल्कुल, ट्रोली साफ कर ली झाड़ू मार ली इसमें, सबसे पहला कलश भिजवाया अग्गे, सबसे पहला कलश धरवा भीतर। और नितिन भैया अरे नुके नहीं भीतर सरका देना बस, ये खड़ा हुआ है अपना ट्रैक्टर, पुल्ले बैनर ले आया बैनर भाई, साइड में एक बैनर रहेगा बस लगे बिना, वो बैनर लगा के अपना फेन चलेंगे। अरे एक बार भाई एक चीज और लानी यही पड़ेगी जाके, एक बार भाई इसकी हिचकी मूसली रह रही है, मूसली जाऊँ गेर में तो फटाफट जाके मैं इतना मोटरसाइकिल पे। और भाई जी अपना सब कुछ मामला बस फिट है, रास्ते में भाई एक एक अपडेट मिलेगी, इंजॉय मारेंगे पूरा। ये बांस तार रहे तार है, होगा भाई अपना ट्रैक्टर स्टार्ट चलने के नाम का, अपनी सेना भी तैयार है नमन भैया, चल भाई चल चल भाई रवि बोल शंकर भगवान जी। जान दे पेट्रोल पंप पे पहुंच गए भाई, ड्रैगन की पेट पूजा करवा दे, पेट भरवा दे इसका एक बार बढ़िया तरीके से, वैसे तो भूली है टंकी थोड़ा बहुत जो कुछ कम हो रहा होगा वो डलवा गया, पर पेट जीतता सूटम दो हरिद्वार के डब को, लड़के तैयार है। यह मोटरसाइकिल घटी भाई छपनी तो इसमें भी भरवा लेते हैं, ट्रैक्टर में तो भरवा लिया, ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसका ढक्कन खोलना पड़ेगा, ऊपर चढ़ गया एक बार तो भाई जी लिगड़ के अपने ट्रैक्टर ट्रोली ले गया घर से कवड़ लाने के नाम के, कलश यात्रा अपनी संपूर्ण हो भाई बब्बा की दया से, जय बब्बा की। यार अपनी टीम भाई पूरी, यार अपनी ट्रोली बाइक बाइक सब अंदर है बेहतरीन तरीके से, रवि भाई भाभी से बात कर रहा, नवा नवा भी हुआ था इसका बम मारी गैल जा रहा, ट्रैक्टर के उस तय हुई हमारा ट्रैक्टर का खलीफा थोड़ा सा, ट्रोली अगर बैग वैग करनी पड़ेगी कहीं मारे पौने की नहीं, रवि इस काम को अच्छे तरीके से निभाओगा। फिलहाल भाभी की वीडियो कॉल आ रही, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ भाई भाई इसकी रवि की कवड़ रहेगी, वह कवड़ सलानी मैं सलामो से, क्यों यूँ तो सलान सकता इसका भी हुआ है भी भाई एक साल लो ना नाने का ना कुछ भाई, तो हमारे साथ जा रहा इंजॉयमेंट लेने के नाम का, और थोड़ी सी भाई ड्राइविंग कर लगा क्यों, फिर बाकी भाई अगर तीन आदमी है कलश लाएंगे हम तो कवड़, फिर हमारे में यार अगर हम ट्रैक्टर भी लेकर जाएंगे तो थक जाएंगे, तो इस वजह से दो तीन आदमी के एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हैं अपने साथ भाई, वैसे भी सपोर्ट के लिए छब है, और भाई ट्रैक्टर वैक्टर चला लेंगे, और भाई वीडियो वगैरह में भी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे बनाने में, नहीं तो कि परेशान से हो जाते हैं मतलब। और भाई लौटने की फैसिलिटी बिल्कुल बढ़िया कर रखी है ट्रोली में, ये देखो भाई अंदर बिल्कुल मोटरसाइकिल गद्दे गुद्दे गिर रखे हैं बढ़िया तरीके से, ना बारिश की कोई टेंशन है, ऊपर तभी सेट हो रही बिल्कुल। ये लग गए भाई बैनर सारे निर्वाल सिंह कलश कावड़, तो भाई अब तो बस टपम टाप लेकर चलेंगे ट्रैक्टर को, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो छोटी सी क्लिप मतलब बीच में क्लिप लेते रहेंगे बढ़िया बढ़िया, अगर जहाँ लोकेशन आ गई है रात को अंधेरी की रोड की तो क्या बना हुआ है, जहाँ भी शहर में आवेंगे तो वहाँ बढ़िया ले लेंगे भाई क्लिप, बाकी आज रात को भाई हरिद्वार पहुँच ही जाएंगे।
चलो भाई जी प्रभु की नगरी में पहुंचते सार देखो अद्भुत नजारे सामने बादलों में सिविलिंग नजर आते हुए। ये देखो भाई साहब सिविलिंग बन रही बिल्कुल देख मैं बोलते सामने बादलों में सिविलिंग बन रही सामने बाबा की नगरी वास्ते सर बड़े ब्लॉगर। हाँ अरे भाई छोटे मोटे से यार ब्लॉगर कपिल निर्वाण। अरे नहीं भाई मान दू भाई आप तो छोटे ही है। ये लो भाई जी क्या अद्भुत नजारा है शिवलिंग का सामने बिल्कुल। जय हो बाबा शंकर की बोल शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। मोटरसाइकिल गिर गई थी रास्ते में। इतू नहीं गिरी है दोबारा गिर गई थी बच गई दोबारा भी गिर गई। अरे वन टू ओके ये तो तेरी बात गिर गई है ओके के देखिए पीछे हम कहां है मजा आ रहा ओके ये बड़ा बड़ा बहुत ठीक है ओके लाइट टूट गया ओके ओके भी चार बड़ गिर ली सही भीतर लुटा दे कोई दिक्कत नहीं। हां
भाई जी दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे दो का आमने सामने कॉम्पिटिशन होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ती आ रही जागी है भाई दोनों का उड़ू में जागी हैगी बढ़िया जागी हैगी दोनों में शानदार कॉम्पिटिशन होगा। दोनों का उड़ की पिछले वाली रुकी आगे लिखेगी कौन सा डीजे है वो कसाना डीजे कसाना वालों का कुछ है मैं अलग है डीजे इतना नहीं। हाँ वो एक ग्रुप है कसाना डीजे का जाली वा तो काफी अगे जाली इसे 100 मीटर अगे चल रही वाली देखो 100 मीटर अगे चल रही या पीछे डीजे डीजे शुभम है तो डीजे शुभम इसकी लाइट थोड़ी सी हल्की है भाई। ए बजरंग बली जी भाई तो हनुमान जी को ले जा रहे यार ये जागी हनुमान जी की अगे भोले भंडारी बैठे पीछे हनुमान जी है उसकी लाइटिंग ज्यादा खतरनाक है भाई अगले वाले डीजे की इसकी लाइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है उसकी लाइट में ज़्यादा दमदार है क्योंकि वो कसाना ग्रुप है भाई कसाना ग्रुप की लाइटिंग में दम है भाई। ये गई दन्नू कावड़ करो उस करगी बाकी भाई दन्नू डीजे की लाइटिंग चल रही कमेंट करके बताइयो कौन से डीजे की लाइटिंग बढ़िया लग रही बेस तो पिछले वाला ज़्यादा फेंक रहा लाइटिंग बताइयो भाई कौन सा डीजे बढ़िया मार रहा भाई जी पहुंच गए बाबा की नगरी हरिद्वार में पहुंच गए भाई हरिद्वार पहुंचने वाले है भाई बस भद्रवा टोल वाले मान लो 1-2-3 किलोमीटर रहता होगा भद्रवा टोल और भाई जाम मिलेगा ऊपर जो हाईवे है वो उसका तो नीचे सर्विस रोड पर कर दिए ऊपर खाली बड़े वाहन चलते हैं ट्रक बस बस आ रही जो हमें भाई कवाड़ी यात्रा वालों को नीचे सर्विस रोड पे भद्रवा टोल ही है उसका यहाँ का रूट डाइवर्ट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा जाम में खड़े हो गए भाई पता नहीं कितना टाइम लगे भैया जाम में मुझे मना करता तो पेलम पेला रे सामली यार रे पेलम पेल तो मुझे मना करता क्या भाई जा देखो क्या होता है भाई जाम में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हमें स्पेंड ही करना टाइम जाम में बढ़िया जाम लग रहा भाई। ये लो भाई जो सोचा था वही हुआ रोड डाइवर्ट होगा सिंगल रोड पर आगे लक्सर वाले में सीधे जो पार्किंग है पीछे जिसमें अपने ट्रक डीजे हम खड़े हो गए हर साल जाकर डाक पड़ गए मैं अलग है सीधे वहीं लिखेंगे फिर रास्ते पर भाई पार्किंग वाले पे रूट डाइवर्ट कर दिया पुलिस वालों ने चलो कोई नहीं जहाँ भी बब्बल लेकर जाओ वहीं पहुँचेंगे तो भाई बस फटाफट पहुँच रहे हैं जो देख के कहाँ जाएंगे हल्की बॉडी रहेगी थोड़ी जी यहाँ तो 20-30 किलोमीटर थी यार प्लानिंग देखो थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होगा लंबा पड़ेगा रास्ता